तो दोस्तों आज हम बात करेंगे GEPIL के स्टॉक के बारे में। GEPIL के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार पहले के लिए अपडेट में देखने को मिला। हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। गिरावट के बाद स्टॉक ने यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल पर से अगर यहाँ पर रिकवरी दी और तब से हमको यहाँ पर स्टॉक में अभी लगातार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम अगर स्टॉक में बात करें यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक है 184 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 198 और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से फिर हमको स्टॉक में बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 220 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 235 और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अभी अगेन 250-260 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस और यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अभी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 172 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक है 163 और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 152 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।